वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे और आपकी प्रेगनेंसी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होगी। दोस्तों, प्रेगनेंसी का 9वां महीना लग गया है और आपकी ईडीडी का डेट पास है और आपकी डिलीवरी का पेन कुछ ही समय बाद आने वाला है, तो ये सिम्टम आपको बताता है कि आपका डिलीवरी का समय आ गया है और आपको ऐसे में तुरंत ही हॉस्पिटल जाना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे सिम्टम बताने वाले हैं जिससे कि आप ये तुरंत ही जान सकते हैं कि आपकी डिलीवरी का समय आ गया है और आपको तुरंत ही हॉस्पिटल जाना है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, जैसे ही आपका डिलीवरी का समय आता है तो डिलीवरी से पहले आपको कुछ संकेत ऐसे मिलते हैं जिससे कि आप ये जान सकते हैं कि आपके डिलीवरी का समय आ गया है। सबसे पहला जो संकेत होता है, आपको बार बार यूरिन जाने की समस्या होती है। दोस्तों, जैसे ही आपका डिलीवरी का समय आता है, आपका बच्चा हेड डाउन कर देता है। जब आपका बच्चा हेड डाउन कर देता है तो उसके सिर का पूरा भार आपके यूट्रस पर पड़ता है, जिसके कारण आपको बार बार यूरिन जाने की समस्या हो जाती है। दूसरा है, आपको प्रेगनेंसी में पेट के निचले हिस्सा में और कमर के निचले हिस्सा में काफ़ी ज़्यादा तेज दर्द होता है। दोस्तों, ये जो दर्द होता है आपको रुक रुक कर होता है, थोड़े समय आने के बाद आपको लगातार ये दर्द आ रहा है, तो आपको समझ जाना है कि ये लेबर पेन का साइन है जो कि आपके में नज़र आ रहा है। तीसरा संकेत होता है, आपका पेट का निचला हिस्सा आपको लटका हुआ नज़र आता है। दोस्तों, जैसे कि आप देखते हैं कि पहली प्रेगनेंसी जब आप कंसीव करते हैं तो आपका पेट फूला हुआ नज़र आता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है और आपका डिलीवरी का समय नज़दीक आ जाता है, तब आपका पेट का आकार लटका हुआ नज़र आता है। ऐसे में आपको समझ जाना है कि आपका बच्चा हेड डाउन कर लिया है और आपका बच्चा डिलीवरी का सही पोजीशन ले लिया है। चौथा संकेत होता है, आपका पेट का निचला हिस्सा आपको कड़क लगने लगता है। दोस्तों, जब आपका बच्चा हेड डाउन कर लेता है तो नाभि के निचला वाला भागो अपना पेट आपको कड़क लगने लगता है। और नेक्स्ट संकेत होता है, आपका बच्चे के मूवमेंट पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि जब आपका बच्चा हेड डाउन कर लेता है, डिलीवरी का सही पोजीशन ले लेता है, तब उसका पैर का जो हलचल होता है पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और जब भी ये हलचल आपको महसूस होता है, आपको 10 से 12 बार ही महसूस जब भी ये हलचल आपको महसूस होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट संकेत होता है, जैसे ही आपका डिलीवरी का समय आता है, आपके प्राइवेट पार्ट के रास्ते से ब्लड निकल सकता है या तो आपके प्राइवेट पार्ट के रास्ते से म्यूकस प्लग भी निकलने लगता है। दोस्तों, ये जो म्यूकस प्लग वाइट डिस्चार्ज होता है, आपके प्राइवेट पार्ट के रास्ते से लगातार आने लगता है, जो कि आपके डिलीवरी का साइन होता है। और ये आपके प्राइवेट पार्ट के रास्ते से लगातार आ रहा है, बिल्कुल भी रुक नहीं रहा है, तो आपको समझ जाना है कि ऐसे में आपको तुरंत ही हॉस्पिटल जाना है। दोस्तों, ये कुछ ऐसे संकेत हैं जो कि लास्ट प्रेगनेंसी में आपको नजर आ रहे हैं, जैसे ही समय आता है इंतजार नहीं करना है, आपको तुरंत ही हॉस्पिटल जाना है। साथ ही और जैसे ही आपका डिलीवरी का सही समय आता है, आपके दोस्तों ये कुछ ऐसे संकेत हैं जो कि निकलने लगता है, जो कि काफी ज्यादा मात्रा में निकल सकता है। जब भी आप यूरिन पास करते हैं, ये काफ़ी तेज निकल रहा है और आपके प्राइवेट पार्ट के रास्ते से बूंद बूंद करके पानी निकल रहा है, तब भी आपको लेबर पेन का वेट नहीं करना है, तुरंत ही हॉस्पिटल जाना है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये सारे सिम्टम आपको अच्छे से समझ आए होंगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपको इसी तरीके से हेल्पफुल वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आप स्वस्थ रहिए।